एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्याणी ब्यूटी ब्लॉगर। कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज तारीख है 17 तारीख और दिन है रविवार, और 2-3 दिन बाद धूप निकली है और मैं छत पे आ चुकी हूँ। और आज धूप को देखते हुए भी मैं बाल धुल ली अपना, और थोड़ा धूप ले रही थी तो मुझे लगा कि 3-4 दिन हुआ मैं वीडियो नहीं डाली हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है गाइस, कि जो ठंडी पड़ रही थी ना उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बराबर रजाई में ही सोई रहती थी और मैं रूम से नहीं निकल रही थी। थोड़ा बहुत खाना पीना यही सब मेरा चल रहा था, तो मैं अपने तरीके से अपने आप को हैंडल करती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी है, मुझे पता चलता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे मेरा कंट्रोल होगा कैसे नहीं होगा, तो मैं वही कर रही थी। तो चलो आते हैं दूसरी बात पे। तो गाइज, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, सॉरी कमेंट किया कि दी आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मुझे लगा कि हाँ सही है, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती थी, तो इस वजह से मैं अपने लाइफ के कुछ पार्ट हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहती, तो इस वजह से मैं ना नहीं डाल रही थी ये सब, बस ब्यूटी ब्लॉग्स डालती थी। तो ब्यूटी ब्लॉग ही डालती थी। और गाइज, इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। तो मेरा नाम कल्याणी सिंह है और मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ, और मेरी एजुकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और बीएड कर रही हूँ मैं, 3rd सेमेस्टर है मेरा। और गाइस, मैं यहाँ जौनपुर के पास एक गांव है, मैं वहीं रहती हूँ। और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी हैं और बड़ी मम्मी हैं, दादी हैं। बड़ी मम्मी की फैमिली है, मम्मी मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, और मेरे बड़े पापा नहीं हैं, पापा भी नहीं हैं और बाबा नहीं हैं जैसे कि। और मेरे फैमिली में बड़े पापा के 2 लड़के हैं, भैया लोग 2 लोग हैं, और मेरी मम्मी की जैसे 3 ही लड़कियां हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं, सबसे छोटी हैं, तो जॉइंट फैमिली है, तो एक ही साथ हम लोग रहते हैं। भैया लोग यहाँ नहीं रहते, जॉब करते हैं बाहर, और भाभी लोग भी बाहर ही रहती हैं उन्हीं के साथ, तो वही है बस। और गाइस, कुछ शादी वादी की भी चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपके साथ क्या हुआ, आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। तो मैंने शॉर्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो अब नहीं है यहाँ पे। तो गाइस, मैं ना उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहती, उसके पीछे ये रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमने लगती हैं, तो इस वजह से मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन बहुत लोग सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दीदी आप बताओ अपनी फैमिली, अरे अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, कैसे हो गया, ये सब चीज़ें तो आप शेयर करो। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए।